अबे यार, ये लड़कियों का समझ में ही नहीं आता, गलती ये करें माफी हम मांगे। ओ भाई, इसे ना नखरे कहते हैं, नखरे। अबे तेरी तो किस्मत अच्छी थी जो तुझे मेरे जैसी सीधी सादी बीवी मिल गई। अबे जाके माफी मांग ले। अरे कैसी माफी बेटा, जब तक मैं गलती नहीं करता ना, तब तक मैं कोई माफी वाफी नहीं मांगता। ओ भाई, ये उन दिनों की बात है ना जब तू छड़ा था लौंडा। बेटा जिंदगी में एक बार जब प्रेमिका की एंट्री हो जाए ना, तो फिर बात सही हो या गलत, बस जुबान पे सॉरी रखा रहे, बोलते रहो बात बात पे सॉरी सॉरी। अबे यार, तू समझ नहीं रहा है, उन्होंने हमारे चरित्र पे उंगली उठाई है एक तरह से। कोई बात नहीं, भूल जाएगी तेरे चरित्र पे उन्होंने उंगली उठाई है, क्योंकि अगर तूने उनकी तरफ उंगली उठाई तो फिर सब बातें भूल के नई बात शुरू हो जाएगी कि तूने उंगली कैसे उठाई। अबे तू कहना क्या चाह रहा है, एलआईसी जी हमारे साथ जितनी मर्जी गलत बात कर ले, लेकिन हम चुप रहे, चुप बैठे रहे। बिल्कुल। अरे तुझे क्या लगता भाई कि शाहजहां मुमताज की ऐसे ही निभ गई? ओ भाई, मुमताज के एक बार मुंह फेर लेने पे शाहजहां ने ताजमहल खड़ा कर दिया था। अबे बोलना आसान है, समझा? खैर छोड़, तू मेरी टेंशन समझ ही नहीं सकता। टेंशन? टेंशन की बात कर रहा तू? तू अपनी टेंशन की बात कर रहा, तुझे मेरी टेंशन नहीं दिखाई दे रही? जिंदगी में मेरी जिंदगी में टेंशन हो रखी है। अबे क्या टेंशन हो गई है तुझे? अरे यार, वो सुनीता जी के पापा ना चेप हो रखे हैं, कसम से सच बता रहा हूँ भाई, ऐसी नजरों से देखते हैं ऐसे लगता ना अभी गोद में लेके फेरे ले लेंगे। पता नहीं क्यों उनको हमारी शक्ल में अपनी बीवी दिखती है। क्या, इसका क्या मतलब है भाई? देख, इसके दो मतलब हो सकते हैं। क्या? या तो सुनीता जी की पापा जी की आंखें बहुत खराब है, या फिर सुनीता जी की मम्मी जी की शक्ल बहुत डरावनी थी। अरे फालतू की बात ना कर, खींच खींच कर रहा है यहाँ, तुम्हें पहले से जला बुना बैठा हूँ, ऊपर से तू नमक छिड़क रहा है। बताओ साला, मैं दुनिया का पहला ऐसा इंसान हूँ जो अपनी प्रेमिका का पति और बीवी दोनों बनने के चांस हो रखते हैं। भाई पीछे ही पड़ गए, फिल्म देखने चलो, फिल्म देखने चलो। तो भाई मना कर देना कि तुझे नहीं जाना है, बोल दे सॉरी नहीं जाना है तुझे, बस बोल दे। अरे ऐसे कैसे मना कर दे भाई, उन्हें नाराज किया ना तो वो सुनीता जी पे मेरे नाम का कर्फ्यू लगा देंगे। अबे तो चले जाना फिल्म, सुन देख। अरे यार तू बावला हो रखा क्या, चले जाना फिल्म? भाई दो टिकट ली उसने कोने वाली सीट की, समझा? और फिल्म भी मलयालम में हो रखी है। तू फिल्म देखने जा, फिर जैसी पिक्चर शुरू होगी मैं वहां पर आ जाऊंगा। जोर जोर से चिल्ला के बोलो, मेरे पति आ गए, मेरे पति आ गए, मेरे पति आ गए, समझ रहा है? ये सुनते ही अगर वो गायब ना हुआ तो मेरा नाम बदल दियो। भाई हुआ तो जाएगा ना, देख मैं सच बता रहा हूँ, कसम से अगर तू ना आया तो तेरी पत्नी के चरित्र पर ना काला दाग लग जाएगा, तेरी भी बदनामी होगी। अबे आ जाऊंगा, फिक्र मत कर, अपनी प्रॉब्लम ना सही, कम से कम तेरी प्रॉब्लम तो सुलझा सकता हूँ। टेम से आ जाइयो। टेम से आ जाऊंगा मैं। एक बात बताइए, यहाँ लोग बहुत कम है, इसीलिए तो इस फिल्म की टिकट ली। क्या मतलब, बहुत ज्यादा भीड़ होती है ना तो मेरा दम घुटता है पिंटू जी। साला होने वाला ससुर है, इसके लिए तो यह भी प्रार्थना नहीं कर सकते कि इसका दम सचमुच में घुट जाए। कुछ कहा आपने? जी कहा है? लेकिन मन में कहा आप ना सुने वही अच्छी बात है। कितनी कितनी नॉटी हैं आप, बिल्कुल सुन्नू की मम्मी जैसी। कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं कैसे समझाऊं आपको कि मैं तन मन धन किसी भी तरह से सुनीता जी की मम्मी नहीं हो सकती। गलत, मैंने आपके दिल में झांका है। झांका ही तो नहीं है, झांकते तो कब के भाग गए होते। क्या क्यों भाग गए होते हैं? नहीं मेरा मतलब, मैं कह रही थी कि मेरे दिल में ना मेरे पति के अलावा और किसी के लिए रत्ती भर जगह ना बची है। ये देखिए, पति जो है वो अपनी जगह है और दोस्त अपनी जगह है, इसलिए अब पंचम को भूल जाइए हैं, और ये पॉपकॉर्न खाइए लीजिए, और पॉपकॉर्न के लिए थैंक यू मत बोलिएगा, क्योंकि दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। पति को कैसे भूल जाऊं, उसी के हाथ में तो आज मेरी इज्जत है। अरे कहां मर गया साला। ओ मेरे पति आ गए।
मेरे पति आज अब मैं पकड़ी जाऊंगी, अब मैं पकड़ी जाऊंगी। पकड़ी जाऊंगी। आप इतना खुश क्यों हो रही हैं? खुश खुश नहीं हो रही, वो क्या ना जब मैं परेशान होती मतलब नर्वस होती ना तो मैं ऐसे ही हंसती हूँ मुस्कुराती हूँ। देखिए क्या ना आप जानते नहीं मेरे पति को बहुत खूंखार आदमी है, अगर उन्होंने आपके साथ यहाँ देख लिया ना तो बहुत कुटाई होगी, बहुत सुताई होगी, हमारी गृहस्थी भी उजड़ जाएगी। इससे पहले कि उनकी नजर पड़े ना अपना यहाँ से चुपचाप भाग जाइए, नहीं तो बहुत सूते जाओगे। सही बता रहे, बहुत खूंखार आदमी है वो। निकल लो निकल लो चुपचाप। ना मुंडी नीचे करके निकल लो चुपचाप। प्रणाम भाई साहब। आराम से आराम से। अबे साले तू तो बड़ा एंजॉय कर रहा था अपने ससुर जी के साथ, गलती तो नहीं कर दी कहीं आके? चुप रे साले, पहले ये बता तू इतनी देर से कैसे आया, कछुओं पे बैठ के आया, रेंगते हुए आया? साले पॉपकॉर्न तो दो मंगा लेता अपने ससुर से। बड़ी शानदार मूवी है भाई, थोड़ा एंजॉय कर ले, क्या जाता है यार? ये कौन सा बच्चा है? कौन सा तू टेंशन ले, तू कछुओं जी के साथ एंजॉय ललदू पॉपकॉर्न। अरे ये लो ना, कैरेमल वाले लाया हूं। मार ही डालेगी आज तू तो। अच्छी मूवी है ना ये? बहुत अच्छी। एक पैकेट लाऊं? हाँ। कैसे लगे पापा? So good। कैरेमल वाले? बहुत सही है। सॉल्टेड? सॉल्टेड भी है। Yes। आ आ। कितना रोमांटिक सीन चल रहा है ये लोग। हाँ। ठीक वो देखो देख। मूवी देखा? हाँ जी। हाँ। जादू होने लगा जादू। अरे वन टू एंड थ्री। दरवाजी मतलब बोतल देख के दिल खुश हो गया। समझना ये क्या झूठ क्या कर रही है तू? रुक तो जा, रुक जा, रुक जा। अरे विदेशी बला है ये, ऐसे पकड़ने जगह कहीं बुरा मान गई तो? तुझे पता है पिंकी जी के दोस्त ने स्कॉटलैंड से खास भेजी है पिंकी जी के लिए? निहार ने लाया साला। साहब जी मैं तो छोटे से कह रहा था, अबे दूर से नहीं आ रही यार, बोतल टूट जाएगी। बात कर रहे हैं बेकार की, मैं तो एक बात आऊंगा दरोगा जी। हाँ जी। बस महंगी वाली लग रही है, 2000 से कम की ना होगी वैसे? जी क्या बात, 2000? अरे स्कॉटलैंड में 2000 में ये चकना भी ना आता है। ये जो बोतल है ना, ये अगर हिंदुस्तानी पैसे में कन्वर्ट करोगे ना तो कम से कम 1200-1200 की होगी। अच्छा। हाँ 12000 दरोगा जी? 100 रुपए का पौवा पीने वाला, जब इतनी महंगी बोतल डकार जाएगा तो मतलब हजम होगी कि ना होगी? छोटे क्या बात कर रही है तू, इसकी यही तो खासियत है। हाँ। ये पीने वालों में भेदभाव एकदम नहीं करती। एकदम नहीं करती। हाँ। इसका एक घूंट गले से उतरेगा ना तो ऐसा घंटी बजने लग पड़ेगी। क्या बात है। मैं छोटे एक बात तो है भैया, देसी हो या विदेशी हो काम सबका एक ही रहता है, जब अंदर जाती है ना तो सारा दर्द जो है बाहर आ जाता है और उसके बाद दुनिया कैसी रंगीन दिखती है ना। सेठ जी क्या बात किया आपने, मतलब पिंकी जी सोच रहे हैं कि अभी बंद बोतल में इतना नशा दे रही है हम लोगों को, जब इसका एक एक घूंट उतरेगा तब क्या धमाका होने वाला है। धमाके की बात कर दी ना, मुंह में मतलब पानी आ रहा है बेटा। एक बात बताऊं, ढक्कन ऊपर से लगा है, बोतल बंद है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि बोतल चीख चीख के मुझसे कह रही है, मुरारी मुझे पी जा, मुझे पी जा। अरे सेठ जी तड़प चूट रही है एकदम करके। हाँ दरोगा जी, दिल से कह रहा हूँ, मतलब अब सबर बिल्कुल ना हो रहा है, एक सेकंड ना हो रही है। अरे मंगीलाल चल सबके गिलास बना। गिलास रख ना, छोटे गिलास रख यार, छोटे गिलास रख। मंगी बना बना। Ugh!
जी, दरवाजा खोलिए, हमें आपसे बात करनी है। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी है, जाइए आप। इलायची जी, आपका दिल की पत्थर अब हमारा दर्द ही नहीं समझ रही। एक काम कीजिए, अपना ये दर्द ना, वो जो लड़की थी ना जो आपके गले में एकदम बाहर डाल के लटकी हुई थी, उसे जाके दिखाइए, वो जरूर समझेगी। इलायची जी, हम आपको कितनी बार बता चुके हैं कि हम उस लड़की को जानते तक नहीं थे, और आप जानबूझ के उस ललित बुड्ढे के साथ घूम रही थी। उसे बुड्ढा मत कहना, इट हर्ट्स यार। ललित को तो छोड़ेंगे नहीं हम, बता रहे हम आपको इलायची जी, आपके प्यार पे सिर्फ हमारा हक है। ये हक्का सिक्का उछाल के ये मत सोचना कि ये लोग के प्यार के गुल्लक में जाके गिर पड़ेगा। Forget it. No, no, not happening, जीजाजी, no. इलायची जी, आप क्या चाहती हैं, हमें बताइए। अपना प्यार साबित करने के लिए आपके लिए क्या करें, हम नाचे गाए तबला बजाए। ये बुरा आइडिया नहीं है, करना तो बहुत सुन लिया। नाच के दिखाइए, दो चार ठुमके लगा के दिखाइए, कम ऑन जी। आप सच में चाहते हैं कि हम आपको नाच के दिखाएं? यही तो प्रॉब्लम है, यहाँ मैंने कुछ बोला नहीं, वहाँ पे सवाल जवाब शुरू कर देते हैं आप। नो, इट्स नॉट हैपनिंग जीजा जी। मतलब वो रोड वाली लड़की कहती है अभी तो कथक से लेकर मतलब ब्रेक डांस तक करके दिखाते हो, मुंह से चू तक नहीं करते, बस हाथ पैर चलते आपके। ठीक है लाइसी जी, अगर अपना प्यार साबित करने के लिए हमें आज अनारकली के दरबार में सलीम बन के नाचना पड़ेगा तो हम नाचेंगे। तो फिर शुरू चाहिए, 1 2 3 स्टार्ट जी। देखिए, कहाँ चली गई बारात? कौन सी बारात? वही मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ चली गई बारात जिसमें तू नाच रहा था? हम नाच नहीं रहे थे, मतलब नाचते थे पर नाच नहीं रहे थे। जब एक बार में पूरी बोतल घटक जाएगा गले के नीचे तो यही होगा, नाच रहे थे और नहीं नाच रहे थे। शेर जी, हमारे एक दोस्त ने कहा था, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो बस देख रहे थे कि आंगन टेढ़ा तो नहीं। क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है तू? मैं, अरे ये तो एक मुहावरा है, मैंने तो तुझे पहले भी समझाया था कि मुहावरे बन जाते हैं, उनकी जांच पड़ताल ना करनी चाहिए, समझ रहे? सेठ जी, ये टाइल टेढ़ी है और ये आंगन भी। टाइल टेढ़ा नहीं है, वो क्या है ना कि एक बार तेरी सिटारी जोर से गिर गई तो वो थोड़ी सी ढलान है। मतलब ये आंगन टेढ़ा नहीं है ना, ढलान है थोड़ी सी बस। कलाम तो है, अरे री मैं तुम्हारी री मरी री मुरी मैया कुरते मैं घुसो। ततैया आ गया, ततैया आ गया क्या ये भी ना? हेलो, अरे हेलो सुनीता जी, आप इस टाइम, अरे इस टाइम कैसे आ गई? आपके पापा ने अगर देख लिया ना तो कसम सच बता रहा हूँ बवाल हो जाएगा, बरसाती में तूफान आ जाएगा। ओफो यार पिंटू जी, मैं ना पिंटू भाभी से कोई भी टाइम पे मिल सकती हूँ,
कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ओह हाँ, अरे क्या है ना, मेरे अंदर का लड़का ये तो भूल ही जाता है कि मैं बाहर से औरत भी हूँ। चलो कोई बात नहीं, क्या ना बाहर बहुत ठंड हो रही है, अंदर चलते हैं। अब आ गई तो आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। इतनी ठंड में आप निकल के आ गई, बताओ। चलो अच्छा किया। बिट्टू जी, हाँ जी, चुपके चुपके मिलने वाली सेल्फी। ले लो ले लो ले लो। सुनीता जी, एक ना चिंता वाली बात थी, मैं ये कह रही थी कि आपके पापा है ना। पापा क्या यार, पापा की टेंशन क्यों ले रहे हो, बड़ा टाइम है पापा से बात करने के लिए, भी छोड़ो वो। अरे टेंशन वाली बात है, आप समझ नहीं रही, कैसे बताएं आपको, आपके पापा ना चैंप हो रखे हैं। क्या बोला आपने? कुछ नहीं कुछ नहीं मैं। अरे छोड़ो कोई बात नहीं। अरे वाह सुनीता जी, आज तो आप एकदम कोयल की तरह आवाज निकाल रही। अरे यार ये मैं नहीं हूँ, ये कोयल की आवाज ना पापा निकाल रहे हैं। यार जब से मम्मा गया ना, पापा को जब भी मम्मी की याद आती है वो छत पे आके कोयल की आवाज निकालते हैं। हाँ, अब मौका मिलने पे चोंच लड़ाने का भी सोचते हैं। पिंटू जी, सुनीता जी, सुनीता जी आपके पापा आ गए, पापा आ गए आपके। ओफो यार इतना क्या डर रहे हो, पापा खा थोड़ी जाएंगे आपको। अरे उनकी हरकतें तो ऐसी हैं। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि मतलब कह रहा था कि यार होने वाले ससुर हैं, अब डर लगता है यार कहीं कोई और रिश्ता ना बना ले। यार सच कहो ना, कभी कभी मुझे आपकी बातें बिल्कुल समझ ही नहीं आती। बाय गॉड, आप छोड़ो ये सब, अपना पापा से थोड़ी देर बात कर लो, उनका मन बहल जाता है, उनको अच्छा लगता है आपसे बात करके। पर मुझे नहीं लगता है? नहीं मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्हें मुझसे बात करने की जरूरत हो रखी है। चुप करो, चलो चलो पापा से बात करो, अच्छे से बात करते, ठीक है? आ जाओ। बेटा सुनो, तू इतनी रात को पिंटू जी को क्यों परेशान कर रही है? नहीं नहीं पापा, मैं परेशान नहीं कर रही थी, वो क्या है ना, पिंटू भाभी का मूड बहुत लो था तो हा? मैंने चीयर अप करने आ गई थी। अच्छा हो गया चीयर अप? हाँ जी। वेरी गुड। अच्छा बेटा जा, अब मेरे लिए थोड़ा दूध गर्म करके ला, जा। पापा टाइम तो देख लो। अरे बेटा बहुत मन कर रहा है, जा बेटा। ठीक है, अपना अपना ध्यान रखो, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? हाँ। बाय बाय। बाय। अरे पिंटू जी, अपना मूड ठीक करने के लिए अपने इस दोस्त को बुला लिया होता, सुन्नू को बेकार नहीं बुलाया आपने। नहीं नहीं ऐसी कोई बात ना है, सुनीता जी से बात करके मूड जो है एकदम तरोताजा हो गया, अब कोई दिक्कत ना है। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे फिर तो ठीक है, आपसे बात करके मैं भी अपना दिल हल्का कर लेता हूँ। ना ना ऐसा नहीं हो सकता, क्या ना कि मेरे पति आने वाले हैं और अगर वो मुझे किसी और से बात करते देख लेते तो वो डंडा दिख रहा ना, वो टंकी के पास रखा है। छी, कैसा पति है, अपनी पत्नी को डंडे से पीटता है? ना ना मुझे ना पीटते, मुझसे तो कुछ ना बोलते, चू तक ना करते, लेकिन मुझसे जो बात करता ना उसकी खूब अच्छे से सुताई करते, बहुत खतरनाक हो रखते वो तो। अच्छा मैं चलती हूँ, सॉरी। अरे पिंटू जी, दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी, गुड नाइट। गुड नाइट। स्लीप टाइट। स्लीप टाइट। कैसा आदमी यार ये तो चेप हो रखा है। अरे कितना दूध है इसके घर में, हर समय गर्म होता रहता है। जो भी है इसे बच के रहना पड़ेगा।